हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग IIT फाउंडेशन क्लास 8 के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर है उसके सेकंड वीडियो को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम एटम की बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि एटम होता है, उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। तो ये सारे बता चुके हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस मास प्रेजेंट इनसाइड द एटम और कंटेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आज हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। देखिए, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। दूसरा क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है वो होता है प्लस में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन कैन नॉट बी मूव्ड और ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हम प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करा सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव होता है 1 − 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव्ड और ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एज दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर घूमते रहता है, इसलिए हम इसको ट्रांसफर करा सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0 कूलम। न्यूट्रॉन कैन नॉट बी मूव्ड और ट्रांसफर फ्रॉम द एटम टू अनदर एज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम ओनली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन की बात करें तो नो चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन, यानी सेम चार्ज है तो रिपल्सन, या प्रोटॉन प्रोटॉन आएगा तो रिपल्सन होगा, यानी अगर माइनस माइनस हुआ सेम चार्ज हुआ तो रिपल्सन की बात करेंगे, या प्लस प्लस भी हो जाए दोनों पॉजिटिव भी हो जाएगा फिर भी रिपल्सन होगा, और अगर एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी रिपल्सन होगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आता है तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। Why is इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड प्रोटॉन पॉजिटिव, इट इज जस्ट बाई कन्वेंशन, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नो लॉ ऑफ फिजिक्स वुड हैव चेंज हैड पॉजिटिव चार्ज बीन नेम्ड इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज नेम्ड प्रोटॉन, है ना। मतलब क्यों नाम दिया गया, इसका कोई अभी तक लॉ नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा याद रखना है। अपने को ज्यादा डीप में अभी नहीं जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एटम हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना, प्लस ई 1.6 × 10⁻¹⁹, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब लेटेस्ट सपोज ए हाइपोथेटिकल बॉडी कंटेन 7 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मान लिया। हमने तो बोला कि 7 नंबर सेम होता है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा एक बॉडी मान रहा है जिसपे क्या है कि 7 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। बट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, तो नेट चार्ज क्या होगा, देखिए एक प्रोटॉन पे E, तो 7 प्रोटॉन पे कितना 7E, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, तो 11 का कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा, −11E हो जाएगा। अब नेट चार्ज ऑन द बॉडी क्या होगा, 7E + 11E तो −4E, और 4 तो ठीक है इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता है, तो कितना आ जाएगा, −6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब चलिए क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या बोलता है उसकी बात कर लेते हैं। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, ई है। तो क्यू बराबर क्या होता है, एनी। टोटल चार्ज क्यू,
और स्मॉलेस्ट चार्ज ई, टोटल चार्ज क्यू और स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हुआ ई, और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव में हो सकता है, इंटीजर है, ठीक है। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर एंड नॉट इन फ्रैक्शन, याद रखिएगा जो n है वो हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहेगा, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। मतलब हम सबसे छोटा यूनिट जो चार्ज की बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन से छोटा की बात नहीं करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन से छोटा भी आ चुका है, बट अब अभी हम बात नहीं करेंगे उसके, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल मेक माइनस वन कूलम चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब 1.6 इंटू 19 कूलम में बराबर एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो एक कूलम के लिए कितना, 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब ये तो ठीक है, ये नेगेटिव ऊपर गया तो पॉजिटिव, अब इसको इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.625 इंटू 10 पावर 19। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक डेसिमल आगे जाएगा, एक डेसिमल आगे जाएगा तो एगो घसक जाएगा, यानी 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी एक कूलम चार्ज के लिए अपने पास 6.25 इंटू 10 पावर 18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज को बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब आइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉ डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉ डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। द टोटल चार्ज, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कंजर्व, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट। टोटल चार्ज नहीं करेगा, सिस्टम के अंदर जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी रहेगा, बस वो लेन देन कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ देयर आर टू न्यूट्रल बॉडीज, एन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी ए टू बॉडी बी, बॉडी ए इक्वायर्स एनी प्लस एनी चार्ज एंड बॉडी बी इक्वायर्स माइनस एनी चार्ज, बट टोटल नंबर ऑफ द सिस्टम कंबाइंड बॉडी ए एंड बी स्टिल रिमेंस न्यूट्रल। मतलब अगर एनी गया तो एनी उसके पास पॉजिटिव गया तो इसके पास नेगेटिव हो गया, और सिस्टम के पास जितना पहले था न्यूट्रल था, अभी भी टोटल ऐड कर देंगे तो अभी भी हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चार्ज आपस में लेन देन कर सकता है बट चार्ज ट्रांसफर नहीं करता है। ये हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।